बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है और कक्षा एक से ही अब संस्कृत को विषय के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा संशोधित पाठ्यक्रम में कक्षा 4 से 5 के स्टूडेंट्स के लिए वैदिक गणित को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। सरकार ने देवभाषा संस्कृत विषय के प्रति युवाओं में रुचि को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है। संस्कृत विषय के प्रति कम होते इंटरेस्ट का ही परिणाम है कि ग्रेजुएशन लेवल पर लखनऊ यूनिवर्सिटी की 40% से अधिक संस्कृत विषय की सीट खाली रह गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर ने कहा कि छात्र संस्कृत, हिंदी और उर्दू के अलावा अरब संस्कृति, फ्रेंच, ज्योतिष और अरबी जैसे अन्य विषयों को चुनने के इच्छुक नहीं रह गए हैं, क्योंकि ये विषय नौकरी की गारंटी नहीं देते। खासतौर पर संस्कृत विषय को लेकर के कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति दिन ब दिन घटती जा रही है। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के अनुसार संस्कृत पढ़ाए जाने वाले 921 स्कूलों में प्रिंसिपल और सहायक शिक्षकों के 1148 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में इस नजरिए से देखा जाए तो राज्य शिक्षा विभाग का यह कदम सराहनीय है। देखा जाए तो संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और माना जाता है कि संस्कृत से ही सभी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन भारत में जितने भी साहित्य की रचना हुई है वो सब संस्कृत में ही हुई है। ऐसे में संस्कृत में अनेक धर्मशास्त्र और ग्रंथ हैं और उन सब का अध्ययन करने के लिए संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है। जानकार बताते हैं कि संस्कृत एक देवभाषा है और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा भी है। यूपी सरकार का मानना है कि संस्कृत भाषा हमारे भारत देश की गौरव है। ये भाषा पूरी तरह लुप्त ना हो, इसके लिए हमें संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम अपनी इस प्राचीन भाषा को संजोकर रख सकें और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक गौरवशाली परंपरा दे सकें। यूपी में स्कूल सिलेबस के संशोधन के दौरान कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 370 और 35A को हटाने और गुरु गोविंद सिंह की वीरता जैसे विषय को भी बेसिक शिक्षा स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में अध्याय के रूप में जोड़ा जा रहा है। हालांकि विपक्षी दल और मुस्लिम समुदाय के कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी को।